ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी का एरिया है, यूनिवर्सिटी उदयपुर में उसका एरिया है, कैंपस है, और वहां मैं आया हूँ पेड़ लगाने। ये देखो दोस्तों, मेरा फावड़ा जो है टूट गया है अभी, मतलब दो हिस्सों में हो गया, किसी का उधार मांग के लाया था, उधारी चुकानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय, आपका चिन्मय गौड़। और आज नए साल का दिन है, विक्रम संवत 2080, और आज नवरात्रि स्थापना भी है। आज मैं अपने दिल का टुकड़ा जो है वो किसी को सौंप रहा हूँ, जिसकी अमानत थी उसको सौंप रहा हूँ वापस। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, मैंने फाइकस प्लांट अपनी छत पे लगा रखा था, और अब मैं उसको, वो बहुत बड़ा हो चुका है, इतना सा था तब लाया था मैं उसको, और बड़ा हो गया है, तो अब मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ प्राकृतिक स्थान पे, यूनिवर्सिटी के एरिया में, मेरे प्यारे शिव मंदिर के पास, जहाँ पे वो बड़ा हो पाएगा, उसको पूरा न्याय मिल पाएगा, बहुत बड़ा फैल पाएगा, और आगे की अपनी जिंदगी जिएगा, और बहुत सारी पक्षियों को शरण देगा, है ना। अरे तू का चुप रही है, तू सामने ये का चुप रही है? मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। ये है छोटी गुड़िया, तेरा नाम क्या? वर्षा देखा, अभी आई थी कुछ देर पहले ही, वो वाली वर्षा। हाँ, ये हमारे पड़ोस में रहती है, मेरी हेल्प करवाती है गमलों को पानी डालने में, और बहुत प्यारी बच्ची। तो आज ये हमारे साथ चल रही है, और कैमरामैन जो है तो मुझे मना कर रही कि मुझे मत दिखाओ अभी, तो मैं उनको बाद में दिखाऊंगा। हाँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो भी। चलो अभी, वो तो मेरा दिल ही है। आया, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जिगर का टुकड़ा कौन है। ये है मेरे जिगर का टुकड़ा। अब एक दिन तो लाडली को अपने ससुराल जाना पड़ेगा ना बेटा, बहुत खुश रहना। हाँ, जब भी याद आए तो याद मत करना, मैं तो उसे मिलने आऊंगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा पौधा, तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ है घर की, हाँ पुराना घर है ये, कैसे ले जाएंगे? तो मैं अभी कैमरामैन को बुलाना पड़ेगा तोकने के लिए। अब हम सीधे मिलते हैं मंदिर की ओर, ठीक है, मंदिर चलते हैं, चलो। ये मैंने मिट्टी भर ली है एक्स्ट्रा, इसमें खाद वाली मिट्टी है, खाद है इसमें। ये फावड़ा अरेंज किया है पड़ोसियों से, ये तो मेरा ही है टेरेस गार्डनिंग का, और ये हमारा, हमारे लाडो रानी फाइकस ट्री। देखो जड़ निकल रही है इसके नीचे, ये सो ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी का एरिया है, यूनिवर्सिटी उदयपुर में उसका एरिया है, कैंपस है, और वहां मैं आया हूँ पेड़ लगाने। हाय राम, पीछे बाल्टी बज रही है यार, मिट्टी डुल ना जाए। तो गाइस जगह पे आ गए हैं पेड़ लगाने के लिए। ये मेरा प्यारा शिव मंदिर है, जहां मैं आके बैठता हूँ हमेशा। चलो निकालते हैं पहले कार से। ये देखो दोस्तों, मेरा फावड़ा जो है टूट गया है अभी, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है, मतलब दो हिस्सों में हो गया, किसी का उधार मांग के लाया था, उधारी चुकानी पड़ेगी। 150 रुपया देगा, पता नहीं खत्ता हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत मेहनत की है हमारी प्रियंवदा और मैंने मिलके। थैंक यू, थोड़ा सा मैं खाद डाल रहा हूँ इसमें। बस ठीक है, ठीक है, एक मुट्ठी और दीजिए, बस चलो अब हो गया बहुत। हे महादेव,
आपके चरणों में अर्पित है, प्लीज मेरा मेरा काम कर दे आप अपना, रख देंगे ऊपर हो क्या है? हाँ क्या कहती है बता, क्या थक गया यार, पत्थर बहुत थे यहाँ पे, अभी बाद में बात करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस हवा निकल गई। हर हर महादेव। घर की छत पे तो ये पेड़ बहुत बड़ा बैठा है, लेकिन अभी इनके सबसे बच्चा लग रहा है। हे भगवान, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब आप संभालना, प्रकृति की गोद में दे रहा हूँ मैं इसको, खूब बड़ा हो जाए और अपना मेरा नाम रोशन करे। जय हो, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। दोस्तों पास में आ जाओ, आप भी पेड़ लगाएं। और आपको पता है कि नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जो प्राकृतिक, जो दैवीय स्थानों को जाके गंदा करेगा, सुन लो ध्यान से, संध्या का वक्त हो रहा है, मंदिर के पास खड़ा हुआ हूँ, जो दैवीय स्थानों में जाके कचरा फेंकेगा, गंदा करेगा, उसकी पूजा पाठ उसको नहीं लगेगी और उसको पाप चढ़ेगा। तो जो कचरा वचरा फेंकते हो ना, प्लास्टिक का पूजा पाठ का, फेंकना बंद कर दो, प्लास्टिक का यूज कम बंद कर दो, खासकर दैवीय स्थानों पे। हाँ, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पेड़ लगाते रहो। जय हिंद और जय भारत।